आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं। नमस्कार जी, जी, जी हकीम साहब, मेरे हस्बैंड का और मेरे दोस्त वाले हैं, जी इनको 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था मेरे हस्बैंड को, और उसके बाद इनको बीपी हाई होने लग गया प्रोस्टेट। तो पहले टाइफाइड का एक डॉक्टर ने इलाज किया पूरा, फिर दूसरे डॉक्टर ने किया, तीसरे से फिर इनका जो टाइफाइड है वो ठीक हुआ था। अभी इनके जो पसीने से बदबू टाइफाइड की आती है और कंपन बॉडी में पूरी है, और बीपी की दवाई लेते हैं और प्रोस्टेट की लेते हैं और कंपन की। अभी इनकी उम्र कितनी है आपके पति देव की? 72 है जी, अच्छा, काफी उम्र है। मेरा और इस वॉलेट रहती, तो जी, मेरे को बहुत टाइम से गैस बनती है, और अभी 3 साल से डॉक्टर साहब ने एक ने चेक किया, उन्होंने बोला थायराइड है, मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ। गैस का तो हकीम साहब मैं अति हो गई, एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी सब किया, मेरे को कहीं से राहत नहीं मिली। अब मैं एक चूर्ण से गुजारा करती, अब मैं एलोपैथी को खाना बिल्कुल छोड़ दिया, अब मुझे नफरत। ठीक है, आप मेरी नाराज उम्र हैं। हकीम साहब 66। जी, आप फिक्र ना करें, और आप सिर्फ अपना टाइफाइड ठीक करें, आपको ठीक होना मुमकिन है। मेरी बात गौर से सुनिए, पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। लिख लीजिए, देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। इनको पाउडर बनाएं घर में, पिसा पिसाया कुछ भी ना लें। गौन मोरिंगा असली लेना, सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा मिलेगा मुश्किल से, लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम खाएं, और वो दवा भी खाते रहें जो आप टाइफाइड की डॉक्टर की खाते हैं, और हर महीने अपना टाइफाइड चेक कराएं। आपको और आपके डॉक्टर को बहुत खुशी होगी कि आपका टाइफाइड अपनी जगह आने लगा। हर महीने वो आपकी गोली कम करते जाएंगे, और आपके पेट के साथ टाइफाइड का भी ठीक होना मुमकिन है। अपने पति को आप कलौंजी का एक नमक आता है, नमक कलौंजी, नमक कलौंजी उन्हें दीजिए। आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना, एक बार या दो बार, पहले एक बार ही शुरू करें, और ये आप करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मुमकिन है।